अब कर्नाटक का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप, सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं जानता हूं संतों और संस्कारों की धरती कर्नाटका के लोग कांग्रेस के इस गाली गलौज का चोट धरा जवाब वोट के माध्यम से देकर के उनके इन सारे मंसूबों को चूर चूर कर देंगे। ये नाराजगी, ये जनता जनार्दन का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ 10 मई को पोलिंग बूथ पर बढ़ चढ़ करके निकलने वाला है। कांग्रेस और उसके शाही परिवार से देश का विश्वास क्यों टूटा है, इसका भी एक कारण है। कांग्रेस की पहचान हमेशा से 85% कमीशन खाने की रही है। कांग्रेस के शासन में उसके सबसे बड़े नेता, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। गरीब के हक का 85 पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस ने जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया उनका सार्वजनिक कबूलनामा है। 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कभी कर्नाटका का विकास नहीं कर सकती।